महेंद्रगढ़ में एक दैनिक समाचार पत्र के फोटो जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमले के मामले में गांव भुरजट के ग्रामीणों ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपा व आरोपी सरपंच व उसके भाई को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपी सरपंच को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं डीएसपी ने ग्रामीणों को इस मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया है। महेंद्रगढ़ से जाट टीवी न्यूज के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट। तारीख से अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव में दमनगई हो रही है, परिवार को धमकी मिल रही है, तो उसको देखते हुए हम डीएसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। डीएसपी साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है, तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया आरोपियों को और आईओ वगैरह डिटेल कर दी है। जैसे कि आप वहाँ कह रहे थे कि जो सरपंच है उसको बचाने की कोशिश की। हाँ जी, सरपंच जो पेशेंट है कुलदीप, इसके साथ हुई, उसमें रिपोर्ट में सरपंच का नाम बचाया गया है। क्यों बचाया गया है इसकी जांच की जाए और मेडिकल आधार पर, जो मेडिकल आधार पर जो कानून बोलती है उस आधार पर सरपंच और सरपंच के भाई पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कुछ ग्रामीण आपने ज्ञापन दिया है, उस पर आपने क्या करना है? ऐसा तो कि उस तो की डायबिटीज की ठीक है, और एविडेंस के अनुसार रखा जाएगा। जैसे कि उन्होंने आयु बदलने की मांग की थी, आयु महावीर सिंह करते हैं, महावीर सिंह जो किरदार पसंद नहीं देखे। सर जैसे कि एक गनमैन देने की बात है, गनमैन सुरक्षा देने की बात है, हम सुरक्षा इस परिवार की सुरक्षा करेंगे। गिरफ्तार होता उस टाइम पे सुरक्षा है हमारी, गिरफ्तार ठीक है। वैसे कि हम सुरक्षा के लिए सभी के लिए पाबंद हैं।